यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। आपको बता दूं कि राजस्थान के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, इन्हें पार्टी ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा डॉक्टर के लक्ष्मण और साथ ही राष्ट्रीय सचिव सुश्री आशा लाकड़ा, इन्हें पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय जनजाति और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और साथ ही राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, इन्हें पार्टी ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और आपको बता दूं कि इसी के साथ इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो बीजेपी ने अब शुरू कर दी है। जल्दी ही, यानी बताया जा रहा है कि कल और परसों दो दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जहां ये पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और इनकी मौजूदगी में नए नेता चुने जाएंगे, यानी मुख्यमंत्रियों के नामों पर जो है मुहर लगा दी जाएगी। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जहां पर बीजेपी ने तीनों ही राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। और जया, छत्तीसगढ़ के जो पर्यवेक्षक हैं वो बहुत सोच समझ करके चुने गए हैं। तीनों ही जो हैं आदिवासी और अनुसूचित वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी संदेश साफ है कि बीजेपी वहां पर किस तरह का या किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। यहाँ अखिलेश जी ये और बताएं, क्योंकि पर्यवेक्षक तो यहाँ पर नियुक्त हो गए हैं, अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब सरकार का गठन हो जाएगा। वो नाम क्या अभी भी लग रहा है कुछ सरप्राइज एलिमेंट होगा, जैसे कि हम नामों की चर्चा चल ही रही है? सरप्राइज होगा, बिल्कुल सरप्राइज होगा। और सीक्रेसी के साथ ही पूरी बीजेपी काम करती, तो सीक्रेसी और सरप्राइज ये दो मूल मंत्र हैं, इसी के आधार पर ये काम हो रहा है। और अब धीरे धीरे करके अब जिस तरह से पर्दा हट रहा है कि पर्यवेक्षकों के नाम आज आ गए हैं, अब विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में ही पता लगेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उससे पहले जितने नाम चल रहे हैं आप मान लीजिए कि केवल और केवल अटकल हैं, क्योंकि कोई भी नाम अभी तय नहीं हुआ है।